नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं, वहां पर जायजा लेते हैं किस तरीके से सरकारी योजनाएं काम कर रही हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी के गाँव धारकोट में, जिसका ब्लॉक पड़ता है चिन्याली सौड़। आपको बता दें, यहाँ पर हम जायज़ा लेंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं, धान और मोटे अनाज है। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल। तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि हमारे कृषक भाई जब फसल की बुआई करते हैं, सूखा पड़ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, कोई बाढ़ आ जाती है, या खड़ी फसल में कोई भी आपदा आ जाती है, यानी कि मौसम आधारित और किसी भी कंडीशन में, ठीक है, तो उसका उनको एक भरपाई हो जाती है, जिससे कि उनको एक मानसिक जो आघात पहुंचता है उससे उनको थोड़ा राहत मिल जाती है। और ये फसल जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना इसलिए चालू की थी कि जिससे हमारे किसान को जो है कुछ जितना उत्पादन, इसमें कई कंडीशन है अलग अलग, ठीक है, तो उस आधार पर कम से कम कुछ इन लोगों को राहत मिल जाए, तो इसलिए ये लागू की गई। और बहुत कम प्रीमियम पर, प्रति नाली बहुत कम प्रीमियम जमा करना पड़ता है। आप इस SC ST में भी जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, या जिनका KCC बना हुआ है वो अपने आप ही जो वो हो जाता है, ठीक है, और जिनका KCC नहीं है वो ऑनलाइन यहाँ पर भी CSC से भी अपने आप कर सकते हैं। देखिए, आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, किस तरीके से आप CSC सेंटर से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। जी, आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी, करवाया सर। ये बताइए, फसल का बीमा आपने कैसे कराया? सर, ये KCC द्वारा करवाया, SBI बैंक से। तो लगता है कि जो फसल का बीमा आपने कराया उससे आपको लाभ मिला? जी, कुछ टाइम मिला। कभी कभी ये होता सर कि मिलता नहीं है, पूरा मिल नहीं पाता है, तो इसमें हम लोग जानकारी का अभाव होने के कारण तो इसमें कोई क्लेम भी नहीं करता है, कभी कभी क्लेम नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश करी कि अगर मुझे बीमा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? जी, ऐसा अभी तक कभी नहीं किया, नहीं किया सर। आपने किसी को, जब फसल आपकी क्षतिग्रस्त हुई तो आपने इसको किसी को सूचना देने का सोचा कि मैं किसी विभाग में जाके किसी को सूचना दूं? जी, सूचना देने के बाद तो कई बार मिला है। तो किसको सूचना देते थे आप? ये सर, हमारे पटवारी क्षेत्र आता है तो पटवारी को देते हैं। कितने समय के अंदर अंदर सूचना देते हैं? 24 घंटे से पहले सूचना दे देते हैं सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 24 घंटे से पहले पहले वो सूचना दे देते हैं। उन्होंने बताया फसल बीमा से उनको मुआवजा मिला भी है और कई बार ऐसा हुआ नहीं भी मिला। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए,
आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। फसल का बीमा कराया है आपने? जी कई बार कराया है बीमा। जब ये आपने बीमा कराया, इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि फसल का बीमा भी होता है? सर जानकारी यही यहाँ कृषि विभाग से मिलती रहती है जानकारी। लगता है कि गांव में कैंप भी लगते रहते हैं मीटिंग में, तो बताते रहे कि बीमा कराएं ताकि फसल खराब हो जाए तो आपको उसका मुआवजा मिल सके। तो आपने फसल का बीमा कराया, आपकी फसल कभी क्षतिग्रस्त हुई, खराब हुई फसल? कई बार हो जाती है खराब। तो उसके लिए आपने किसी को सूचना दी? हाँ यही पटवारी को देते सूचना। तो उससे आपको मुआवजा मिला? मुआवजा मिल जाता है, कई बार मिल जाता है, कई बार कागजों का अभाव होता तो नहीं हो पाता, नहीं तो मिल जाता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि मुआवजा नहीं मिल पाता है, वैसे मुआवजा मिलता है। वो कहते हैं कि उसके लिए उनको अगर पर्याप्त जानकारी मिलेगी तो वो इस योजना से और लाभ ले पाएंगे। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, कई बार किसान भाई कह रहे हैं कि बीमा मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, ना मिलने का क्या कारण है? ना मिलने का मेन कारण ये है कि समय से सूचना ना मिलना। अगर समय से सूचना हमको दे देते हैं, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर सूचना दिए। नहीं, जब 24 घंटे के अंदर सूचना दी जाती है हम संबंधित कंपनी को भेजते हैं, कंपनी जो है 72 घंटे में यहाँ सर्वे करती है और उसकी रिपोर्ट जो है ले जाती है। क्योंकि कई चीज़ें ये होती है कि मेरी केसीसी से कट गया है और उनको जानकारी नहीं है कि मेरे केसीसी से पैसे कटे हैं, ठीक है। तो कुछ ये जो बीच का हमारा गैप है, कम्युनिकेशन गैप, इसके कारण नहीं मिल पाए इन लोगों, क्योंकि इनको सूचना। अब इनको क्या करना होगा? इनको जो है एक टोल फ्री नंबर, अब जो हम बीमा कराएंगे गजट नोटिफिकेशन होने वाला है आजकल में ही, और जब हम बीमा कराएंगे इनको हम बोलेंगे प्रत्येक कास्तकार को व्यक्तिगत रूप से कि टोल फ्री नंबर अपने पास रखें। सभी कृषक भाइयों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी आप बीमा कराएं, चाहे CSC में कराएं, चाहे आप KCC से कराएं, चाहे कहीं भी पंजीकरण कराएं, क्योंकि विभाग आपकी हेल्प के लिए तैयार रहता है। आप टोल फ्री नंबर नोट कर लें, टोल फ्री नंबर है 1800 180 और 1111। इस पर आप उनको फ़ोन करेंगे और वो आपकी जो है सूचना नोट करेंगे और आपसे वो संपर्क करेंगे। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया टोल फ्री नंबर 1800 180 1111। इस पर आप अगर आपकी फसल क्षतिग्रस्त होती है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपने बीमा कराया? करवाया। क्यों कराया आपने बीमा? अरे फसल के लिए, क्या आपकी फसल खराब ना हो जाए। तो इसके लिए आपको जानकारी कहाँ से हुई? जानकारी कृषि विभाग से। लगता है कि फसल का बीमा कराना जरूरी है? जरूरी होता है। इस अगर आपकी कोई फसल क्षतिग्रस्त हुई, वही पर बीमा नहीं मिला। आपने इसके लिए किसी विभाग में सूचना दी थी? सूचना हम पटवारी को ही देते हैं, और तो किसी पटवारी को आपने सूचना दी, पटवारी ने क्या बोला आपको? आ जाएगा आपके। कितने समय के अंदर अंदर सूचना दी थी? 24 घंटे के अंदर देते हैं सूचना। 24 घंटे में दे दी थी। आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं। उसके बाद आपने पूछा कुछ समय बाद कि मेरे को मुआवजा क्यों नहीं मिला? किसी का आ भी जाता है, आ जाते हैं 2-2, 4-4 सौ की चेक। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसी किसी का आ भी जाता है, पर अगर हम बात करते हैं तो उनको उसका बीमा नहीं मिला है। सर ये बताइए, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर उन्होंने सूचना दी, बीमा नहीं मिला, पटवारी को सूचना दी थी, अगर और क्या विधि है जो उनको सूचना देने के लिए? हमको सूचना दें, जिस भी किसान भाई ने बीमा कराया जाता है वो कृषि विभाग को सूचना दे, या 1800 180 1111 पर टोल फ्री नंबर पर सूचना दे, तो निश्चित है आपके क्लेम मिलेगा। देखिए हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि अगर आपको फसल का बीमा नहीं मिलता तो आप हमसे संपर्क करें, आपको अवश्य फसल का बीमा मिलेगा, या टोल फ्री नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुना
मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव धारकोट की चौपाल चर्चा से। आपको बता रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से तकनीक जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र जिला स्तर का एक तकनीकी केंद्र है, तो जिले स्तर पर जितनी भी टेक्नोलॉजिकल समस्याएं हैं, यानी कि जो भी पूरे देश में कहीं भी कोई अगर कृषि के क्षेत्र की कोई नई वैज्ञानिक खोज होती है, कोई नई प्रजाति निकलती है, कोई नई ब्रीड निकलती है, कोई नया प्रोसेसिंग टेक्निक होती है एग्रीकल्चर के क्षेत्र की, कृषि के क्षेत्र का कुछ भी नया अनुसंधान होता है पूरे भारत में, इवन बाहर भी, तो वो टेक्नोलॉजी को कृषि विज्ञान पहले तो ये देखता है कि किस तरीके से वो हमारे ज़िले के किसानों के लिए उपलब्ध की जा सके। तो उसके लिए हम एक टेस्टिंग करते हैं, उसको OFT बोलते हैं, ऑन फार्म टेस्टिंग। तो किसानों के खेतों पे जाके हम उस नई टेक्नोलॉजी का एक टेस्टिंग करते हैं, किसानों के द्वारा ही कराते हैं, और जब वो टेक्नोलॉजी हमें लगता है कि ये सफल है, इस उत्तरकाशी ज़िले के लिए ये उपयुक्त है, जब हमें ऐसा सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद में उस टेक्नोलॉजी को हम एक फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन का एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो FLD बोलते हैं उसको, FLD के जरिए फिर उसका प्रचार प्रसार किया जाता है सारे जिले के किसानों के बीच कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो हमारी है, जो पहले देश में कहीं और थी, अब हमें ये ट्रायल्स में ये पाया गया है कि हमारे ज़िले में भी ये उपयुक्त है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक मड़ुआ की प्रजाति आई समझ में, अब नई जाती है, तो लोगों को, किसानों को तो नहीं पता कि इसमें कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, कैसी भूमि चाहिए, क्या क्या बीमारियां लगेंगी, कैसे इसको संसाधन करना है। तो उसको हम क्या करते हैं, उस फसल को एक किसान के पास जाके उगाएंगे, उसको थोड़ा बीज दे देंगे, आप उगाइए इसको, उसके बाद अपनी निगरानी में सारी चीज़ें उससे करवाते हैं, दूसरे किसानों को भी वहाँ खेतों पर बुलाते हैं कि आप भी देखिए ये किसान कैसे कर रहे हैं। अगर इस तरीके से अगर वो करेंगे अवश्य उनको लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलता है। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने बताया, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 100% इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। फसल का बीमा कराया आपने? जानकारी है कि फसल का बीमा भी होता है? नहीं जी, हमें कोई जानकारी नहीं। आप चाहते हैं कि आपकी फसल का बीमा हो? हाँ चाहते हैं। देखिए, महिला किसान कह रही है वो चाहती है कि उनकी भी फसल का बीमा हो। कैसे होगा? हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग फसल बीमा कराएं तो आप ही के यहाँ पर CSC सेंटर है, वहाँ पर आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी लेकर जाएं और वो CSC सेंटर वाला आपका बीमा कर देगा और आपसे प्रीमियम वहीं जमा करा लेगा। देखिए, हमारे कृषि अधिकारी ने बताया कि आप CSC सेंटर में जाकर भी अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं कराया। ये बताइए कि फसल का बीमा कराना जरूरी है क्या? जरूरी।
तो अब आप सीएससी सेंटर में जाएंगे, फसल का बीमा कराएंगे? करेंगे। कौन सी फसल लेते हैं आप? कोदा, झंगोरा, धान। आपको पता है इसका प्रीमियम कितना जाएगा? नहीं जानते। देखिए, महिला किसान कह रही है कि फसल का बीमा कराना है, किस प्रकार से करा सकते हैं? धान, झंगोरा और मंडुआ की खेती कर रही है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो धान, झंगोरा और धान में कितना प्रीमियम दिया जाएगा उनको? गत वर्ष तक जो 30 रुपये 40 पैसे पर नाली यहाँ पर धान का प्रीमियम था, और इस वर्ष का अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और वो शायद 2-4 दिन में आ जाएगा, तो उसी समय फिर हम जो कृषक भाई हैं उनका बीमा के लिए भी हम सुझाव देना शुरू कर देंगे कि आप अपने नज़दीकी सीएससी में, जिनका केसीसी हो रखा है उनका ऑलरेडी हो जाता है, तो आप सारे का किसान जो है अधिक से अधिक बीमा कराए और अधिक से अधिक लाभ उठाए। देखिए, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया प्रीमियम के बारे में, ये भी बताया कि किस तरीके से आप बीमा करा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बीमा कराएं, और ये योजना जो चल रही है ये आपके लिए है, आप इससे लाभ ले। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। फसल का बीमा कराया आपने? कराया। फसल का बीमा कराने के बाद फसल आपकी खराब हुई? जब खराब हुई तब तो कराया। खराब हुई तभी आपने बीमा कराया। बीमा आपने कराया, कराने के बाद जब आपकी फसल खराब हुई तो आपने सूचना किसी को देते हो कि मेरी फसल खराब हुई है? उसकी बात कोई सूचना नहीं हुई। नहीं दी आपने किसी को सूचना? झूठ नहीं बोलते। हमारे जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप सूचना नहीं देंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है? तो आगे से आप 24 घंटे के भीतर आप कृषि विभाग को सूचना दीजिएगा। आगे से आप सूचना देंगे 24 घंटे के बाद? 24 घंटे के अंदर, उसके बाद नहीं, 24 घंटे के अंदर आप सूचना देंगे तो इससे आपको अवश्य मुआवजा मिलेगा। दोबारा करेंगे तब अब करेंगे बात। ठीक। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, अब उनको जानकारी हुई है कि 24 घंटे के अंदर अब वो सूचना देंगे। वो कह रहे हैं मैं बीमा कराऊंगा और 24 घंटे के अंदर सूचना देके और मैं भी इस योजना से लाभ लूंगा। आप भी इस योजना से लाभ लेंगे? देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो भी इस योजना से लाभ लेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। फसल का बीमा कराया आपने? हाँ जी, कराया। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि फसल का बीमा भी होता है? कृषि विभाग से। कृषि विभाग से? तो कृषि विभाग से जब आपको पता चला तो आपको ये योजना कैसी लगी? बढ़िया लगी। और आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई? हाँ, क्षतिग्रस्त हुई। मुआवजा मिला? मुआवजा पहले एक बार करवाया था, उस टाइम तो मिल गया, फिर उसके बाद दो बार किया, उसके बाद नहीं मिला। इसकी आपने सूचना किसको दी जब आपकी फसल खराब हुई? अधिकारी को दी हमने। हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि अगर आपको समस्या आती है, आपको फसल का बीमा नहीं मिलता, तो आप 24 घंटे के अंदर आप कृषि विभाग को सूचना दे या टोल फ्री नंबर जो उन्होंने बताया था 1800-1800-1111 पर संपर्क करें। अब आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करेंगे? हाँ, करेंगे। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब टोल फ्री नंबर पर कृषि विभाग में संपर्क करेंगे और वो भी इस योजना का लाभ लेंगे। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं जी, आप बताएं। आप खड़े हो जाइए, ये बताइए फसल का बीमा कराते हैं आप? जी, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, मैं नहीं बता सकती। देखिए, फसल का बीमा कराते हैं या नहीं कराते? जी, अभी तो नहीं करा। इसकी जानकारी नहीं है कि फसल का बीमा होता है। हमारे अधिकारी ने बताया कि फसल का जो बीमा होता है आप सीएससी सेंटर में जाकर, आप वहां पर जाकर करा सकते हैं। आप आगे से अपनी फसल का बीमा कराएंगे? जी, कराएंगे। देखिए, हमारी महिला किसान कह रही है उनको जानकारी नहीं थी कि फसल का बीमा होता है, अब उनको जानकारी हुई है, वो कृषि विभाग में भी जाएंगी और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ की वो भी प्राप्ति करेंगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है
और समस्या के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव धारकोट की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी से है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं, फसल का बीमा कराते हैं आप? जी करवाया हमने। ये बताइए फसल का बीमा आप कैसे कराते हैं? केवाईसी के द्वारा कराते हैं। सीएससी सेंटर में जाकर? सीएससी सेंटर। ये बताइए सीएससी सेंटर में जब आप बीमा कराते हैं, बीमा कराने में कोई कठिनाई तो नहीं आती? नहीं नहीं कुछ नहीं, आसानी से हो जाता है। आसानी से हो जाता है। जानकारी है कि फसल का बीमा जब होता है तो इसमें मुआवजा कैसे मिलता है? इतना तो नहीं है जानकारी। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल का बीमा तो उन्होंने करा लिया, पर इसका मुआवजा कैसे लेना है उसके बारे में आप बताइए, कैसे लेना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो ये है कि हमें अगर हम फसल बीमा करवाते हैं किसी भी सीजन में, अब जैसे हमारा खरीफ का होने वाला शुरू 15 जुलाई हमारा लास्ट डेट है, तो हमें क्या करना है कि आपकी अगर फसल बुआई से पहले हम लोग बीमा करवाते हैं, हम लोग करवाते हैं, AIC करवाता है, और उसके बाद क्या होता है अगर हमारी फसल को कोई नुकसान होता है तो नुकसान होने के 24 घंटे के भीतर आपको या तो टोल फ्री नंबर पर बात करनी पड़ेगी या कृषि विभाग का जो निकटतम हमारा न्याय पंचायत स्तर पे जो कार्यालय होता है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं, फसल का बीमा कराते हैं आप? फसल का बीमा कराते हैं। फसल का बीमा आप किस प्रकार से कराते हैं? बैंक के माध्यम से, सेल सेंटर के माध्यम से। ये बताइए जो आप फसल का बीमा कराते हैं इससे आपको मुआवजा मिलता है जब आपकी फसल क्षतिग्रस्त होती है? एक बार तो मिला था मुआवजा, उसके बाद एक दो बार किया था, नहीं मिला। इसकी आपने जानकारी ली कि क्यों नहीं मिला? इसकी जानकारी हमने सूचना तो दी थी, उसके बाद जब मिला नहीं तो तब हमने कुछ नहीं। किसको सूचना दी थी आपने? राजस्व पटवारी को। देखिए हमारे कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए कि कुछ शर्तें भी होती हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत? सर उसकी मेन शर्त ये है कि अगर आपका जो नुकसान है वो प्राकृतिक तौर से है, या फिर आपको क्लेम तब नहीं मिलता जब आपका जो नुकसान है वो 30% से कम है। अगर आपका 30% से ज़्यादा नुकसान है तो आपको क्लेम मिलेगा। देखिए इसमें शर्तें भी हैं, अगर आपका जो नुकसान है 30% से नीचे हुआ है तब आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। फसल का बीमा कराते हैं आप? जी करवाते हैं सर। क्यों कराते हैं फसल का बीमा? जब कभी नष्ट हो जाती फसल इसलिए हम उसका बीमा करवाते हैं। फसल का बीमा कराया तो आपकी फसल कभी क्षतिग्रस्त हुई? हाँ हुई है सर। मुआवजा मिला आपको? कभी मिला है सर, और 2-3 बार किया हमने, नहीं मिला सर हमें। जानकारी किसको देते हो आप? राजस्व विभाग को। आज के बाद आप कृषि विभाग में भी आप जानकारी दीजिए, आप उनसे बताइए कि मेरी जो फसल है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और ये जो है इसका मुझे मुआवजा चाहिए क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा लिया है। तो आप जानकारी देंगे कृषि विभाग को? देंगे सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब कृषि विभाग को जानकारी देंगे। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं फसल के बीमा के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए कृषि विज्ञान केंद्र का अध्यक्ष होने के नाते मैं एक किसानों को एक इनवाइट करता हूं, उनको आमंत्रित करता हूं कि किस इस फसल से बीमा की जो योजना है या कोई भी योजना है भारत सरकार की या राज्य सरकार की भी, हमारे अपने काम के अलावा भी इन योजनाओं के बारे में भी अगर आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो मैं आपसे वायदा करता हूँ इस गांव के लोगों से ख़ास तौर पे कि सारे विभाग के जितने संबंधित अधिकारी होंगे, चाहे उसमें बैंक मैनेजर्स भी शामिल हो, उनको बुला के आपकी जितनी भी समस्याएं हैं मैं उनका निराकरण, उनकी जानकारी आपको वहां पे दूंगा, आप आइए वहां पे। देखिए कितनी अच्छी बात कही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने कि आपको कृषि विज्ञान केंद्र जब आप आएंगे तो आपको जितने भी बैंक के अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, आपको जितनी भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान कराएंगे। ये योजना आपके लिए, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। जी आप बताइए फसल का बीमा कराए? हाँ, कराए। फसल का बीमा कराना क्यों ज़रूरी है? क्यों फसल खराब ना हो जाए ना।
मुआवजा मिलता है इसमें? मुआवजा मिला, एक बार मिला, दोबारा फिर नहीं मिला था। आप जानकारी किसको देते हो इसके लिए? जानकारी हम पटवारी को देते हैं। और आगे से आप कृषि विभाग में भी जानकारी दीजिएगा। ठीक है, अब आप देंगे जानकारी? देंगे। योजना कैसी है? योजना ठीक है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना तो अच्छी है, अब वो कृषि विभाग में भी जानकारी देंगे। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए क्या सुझाव क्या देना चाहते हैं आप किसान भाइयों को फसल बीमा के लिए? मैं किसान भाइयों को ये सुझाव दूंगा, क्योंकि जो है मौसम आधारित बहुत ही ज़्यादा अतिवृष्टियाँ आती हैं, आप फसल का बीमा जरूर कराएं, जिससे कि आपको जो होने वाला नुकसान है उसका आपको मुआवजा मिल जाए। देखिए आपको बता दें ये योजनाएं जो है ये आपके लिए है, आप इसके लिए कृषि विभाग में जाकर संपर्क करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें। अगर आपको तकनीकी जानकारी चाहिए या योजनाओं के लिए भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। आज के गांव धारकोट की चौपाल चर्चा से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय